नमस्कार दोस्तों, मैं मधु चावड़ा द फैक्ट टाइम में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर पहुंचे हैं सच की खोज में, सच से रूबरू कराने डेरा सच्चा सौदा के आश्रम यूपी बरनावा में। और आज हम कराते हैं आपको सच से रूबरू कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा का सच। आइए जानते हैं लोगों से उनकी जुबानी। मैम आपका क्या नाम है? मुनेश इंसान। आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? 95 से लेके। तो आपने 95 से जुड़े हो, आप क्या कभी भी कुछ भी गलत होते हुए देखा है? अरे नहीं यहाँ मेरे मम्मी पापा अभी बहुत पहले से ही हम सेवादार हैं। ग्रीन एस की ड्रेस मैंने ले रखी है, यूथ का वीरांगना मैं हूँ, परंतु आज तक मैंने किसी को भी, किसी पिताजी को तो अलग है, हमने किसी भाई को भी गलत होते हुए नहीं देखा है। हमारे साथ किसी ने दूर टच करने की तो दूर की बात है, दूर से ही हमसे बात करते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता तो क्या आज हम यहाँ होते? हमारा पिताजी का हमारे प्रति अगर कोई गलत व्यवहार होता तो क्या हमारी जवान लड़कियाँ यहाँ आती? हमारी तीन लड़कियाँ, मेरे पास तीन लड़कियाँ, तीनों की तीनों यहाँ आती हैं। कैसे कह सकते हैं कि हम, हमारे पिताजी का हमारे साथ गलत व्यवहार है? जब बाप बेटी कह ही दिया तो हमारा रिश्ता कहाँ से गलत हो गया? आपका अपने गुरु पे आज के समय में कितना विश्वास है? पहले तो कुछ कुछ था, अब तो इतना है कि अपनी सासों को अगर मैं देखे, अगर यूँ सोचू ना कि अपनी खाल को मैं जूती बनाकर रख दूँ, तभी भी हमारा उस पहले से तो ज़्यादा ही ज़्यादा होता ही जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जैसा कि गुरुजी से आपने गुरु मंत्र लिया था, उसके पहले की जिंदगी में क्या बदलाव था, उससे बाद की जिंदगी में क्या हुआ? पहले से तो हमें क्या है, नाम दे के हमारी मुक्ति, जीवन से जो जीवन में जो बुराइयाँ होती है, जवानी में जो लड़कियाँ गलत स्टेप उठा जाती हैं, हमें क्या सिखाया गया था कि हमें अगर बराबर का है तो भाई, अगर छोटा है तो उसे बेटे के समान, अगर बड़ा है तो उसे बाप के समान समान। अगर हमें ये समझ नहीं होती तो क्या होता, हम कहाँ रुलते? जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपको अंधभक्त कहा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं एम ए बीएड हूँ इंग्लिश से बहुत पहले की, 2000 से मैंने एम ए की हुई है इंग्लिश से, बहुत पुरानी एम ए हूँ, बीएड तो मैंने अभी किया। पर ये बताओ, अगर मैं अंधविश्वास हूँ, अनपढ़ तो हूँ नहीं, मुझे भी पता यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे तो बात है नहीं कि हम कहीं भी कोई भी बहका दे और हम चल दें। हमें समझ है कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना। हमें लगा कि यहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं, आज से नहीं, हमें तो 22-23 साल हो गए जुड़ते हुए, हम कर रहे हैं और आगे, अब तो हमने कुछ कुछ किए थे, अब तो मैं रोज़ 2 घंटे रोज़ की रोज़ डेरे में आती हूँ, मालगढ़ डेरे में मैं रोज़ सेवा करती हूँ, जाके पूछो। आप डेरा सच्चा सौदा आगे भी आते रहेंगे? आगे क्या, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरे बच्चे भी आगे से आगे सेवा करें, हमने हमारे बच्चों को भी पिताजी ऐसे चरणों से जोड़े रखे हैं। जैसा कि गुरुजी अभी सत्संग नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या दुष्परिणाम समाज के सामने आ रहा है? अरे ये देखो, अगर हम इतने बंदों को अगर नाम दे के पिताजी ने सुधारा है, अगर अब पता नहीं कितने और बंदों को सिखाया जाता कि हमें कि कैसे समाज में रहना है, कैसे बंदों को बाप के समान, बेटी के समान किस तरीके से रहना होता है, वो सब सिखाया जा रहा है। और ये जो शराब मांस इनको तो कोई नहीं रोक रहा है, हमारे पिताजी रोक रहे थे तो उसको रोक दिया गया कि राम नाम को ही रोक दो। अरे ये तो सोचो, राम नाम को रोक के तुम कितना पाप कर रहे हो, पहले से लेके आज तक कितनी बुराइयाँ हैं, अब मिटाने की कोशिश की जा रही थी तो वहाँ चलो कोई बात नहीं, पिताजी तो फिर भी करते रहेंगे। हमें पिताजी ने यही समझ दिया कि बेटा अपने कार्य करते रहो, हम तो करते रहेंगे और करते रहेंगे। किस प्रकार के कार्य करते हैं आप? हम माने तो खूनदान करवा लो, शरीरदान करते हैं, सारी संगत किडनी दान करती है, डोनेट क्या क्या नहीं करते, पेड़ पौधे लगाना, क्या क्या नहीं होता हमारे यहाँ डेरे में, वेश्या को बेटी बनाना, गरीब को खाना देना,